निकाली के बाबू। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ, राजापुरी में हूँ और आज मुझे जाना है अपनी बिटिया के घर। अपनी आँखें ढंग से खुली नहीं है। मुझे जाना है अपनी बिटिया के घर क्योंकि उसके घर का आज मुहूर्त, उसकी लाइफ की आज बहुत बड़ी ड्रीम पूरी हुई है, तो मुहूर्त है उसके, वहाँ पर जाना है। मैंने उसको बोला था कि मेरा कोई काम नहीं है, आज फैमिली का दिन है, फैमिली के साथ स्पेंड करना है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो नहीं रहते माँ के बिना। तो उसने बहुत इंसिस्ट किया, उसके हस्बैंड ने, तो जाना ज़रूरी है। बुलाया उसने पूरी फैमिली को है, लेकिन आज पूरी फैमिली नहीं जा सकती क्योंकि कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, तो एज़ यूजल सिर्फ मैं हूँ। तो बस जाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पूजा मेकओवर को बुलाया है। मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं कराने वाली हूँ, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह कराना है क्योंकि ड्रेड्स में कोई भी हेयर स्टाइल बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग रास्ते में हैं और बस थोड़ी देर में मैं नहा धो के नीचे पहुँच जाऊँगी। कोशिश करती हूँ छोटी सी ब्लॉगिंग करने की, कोशिश कर रही हूँ छोटी सी ब्लॉगिंग करने की। फेसबुक पे भी आप लोगों को शॉर्ट्स मिलेंगे और नकी लाडू के किचन पर पूरा ब्लॉग मिलेगा, तो देखते रहिए आज दिन भर का दिन कैसे निकलता है और क्या क्या होता है। चलिए अभी फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं नारियल पानी या जूस कुछ पीऊँगी। और ये है मेरा सूटकेस जो रायपुरी और रसोला के बीच में आजकल झूल रहा है मेरे साथ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या आज पहनने वाली हूँ। देखिए ये वाली मैंने साड़ी निकाली है, एक्चुअली निकाली क्या है, सब कुछ पैक पड़ा है तो जो मेरे सामने आया मैंने वो ले लिया। अब आप लोग बताइएगा साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है। साथ में ये सुंदर सा सूट है, बट मुझे साड़ी पहनने का ज़्यादा मन है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लगेगी साड़ी। और ये सूट मैं कब पहनूंगी मुझे नहीं पता, आप लोग ये भी बताइएगा सूट मैं कब पहनूंगी। मैं नहा चुकी हूँ, बस अभी तक पूजा में कवर वाले बच्चे पहुँचे नहीं हैं, दिवंशु भी पहुँचे नहीं है, बस वो आ जाए तो मैं रेडी हो जाऊँ। और फिलहाल मैंने ब्लाउज देना है और एज यूजल जो मेरे साथ एंड मोमेंट होता है कि इसका ये टाइट है, उसका वो टाइट है, कुछ नहीं मिला। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बुरी तरीके से सब फैला पड़ा हुआ है, कितने बुरे तरीके से सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। सच में लाइफ की बहुत गंदे वाली पैन बजी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी तो हाल फिलहाल ज़्यादा समझते भी नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। और सभी आ जाए तो रेडी होती हूँ और फिर पहुँचती हूँ, फिर जैसे जैसे जो रहेगा आपको बताते हैं। जय माता दी। हम सायंकाल का और मैं हो चुकी हूँ रेडी और रुको मैं भी आती हूँ रूम में। मैंने पहनी ये वाली साड़ी जो मैंने दिखाया था, अब लुक क्या रहेगा वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। मैंने मेकअप कराया नहीं बिल्कुल, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल लिया है और गर्मी में बाल बहुत ज़्यादा चिप चिप हो रखे हैं। दिवांशु अभी तक आया नहीं है बाबू, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कलश उठ चुका है, हवन हो चुका है और मुझे हवन पे जाना था। एज यूजल मैं हर बार की तरह लेट हूँ, तो चलिए अभी तो हाल फिलहाल पहुँचेंगे वहाँ पर, डांट खा लूँ पहले मैं अपनी गुड़िया की पहुँच गई क्योंकि मैं लेट हूँ तो डांट तो बनती है मेरी। सांस चढ़ते नीचे से आई हूँ अभी, चलिए अभी निकलते हैं। दिवांशु के आने का वेट हो रहा है, वो आ जाए फिर निकलते हैं। एक तो राजापुरी की रोड टूटी हुई है, हो सकता है मुझे बहुत देर तक पैदल दूर तक जाना पड़े, मैं बताती हूँ आप लोगों को। आज हम लोग निकल चुके हैं ये दिशु भारद्वाज जी, जिनको सुबह 10 बजे आना था, ये पहुंचे हैं जी 1:30 बजे। इधर करके हेलो बोलो सबको। हेलो। और ये मेरे साथ है जी पूजा मेकओवर, ये टाइम से पहुंच गए थे, थोड़ा सा जल्दी थे, मैं लेट थी, ठीक है। तो अब बस हम निकले हैं टूटी फूटी सड़कों से, हम लोग अपने कपड़े उठा के सामान उठा के खुद आए हैं और उसके बाद हम गाड़ी बैठे हैं क्योंकि वहां तक गाड़ी जा नहीं सकती थी। अब हम लोग निकल चुके हैं, वहां सब कुछ हो चुका है, बस शक्ल दिखा के आनी है, तो शक्ल दिखाने जा रहे हैं, देखते हैं वहां पर बच्चों ने क्या कुछ किया है क्या कुछ नहीं किया है चल के। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी हाल फिलहाल, तो इनकी स्किल देखनी है ये कैसे हमें कब तक लेकर के जाते हैं और पहुंचाते हैं। वैसे दोपहर है तो ट्रैफिक मिलेगा नहीं, बट कुछ कह भी नहीं सकते उस साइड का। चलिए पहले तो पहुँच लेते हैं।
मिष्टू ऊपर आ, ऊपर आ, ज्वाला रानी का बोल सारे नवाब की जय। वो पहले ही बैठी थी तैयार। हाँ आगे हैं हम अपने गुड़िया के घर पे और उसको नए घर की बहुत 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 बधाई हो। उसके पूरे परिवार से आज मिलना हुआ और जैसे महामारी ने मेरे बच्चों की सुनी ऐसे महामारी सब कुछ सुने। अब यहाँ से कितनी देर बाद निकलते हैं, उसके बाद सीधा जाना है असोला। असोला जाकर के मिलती हूँ आप लोगों से, रास्ते में बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। तब तक बाबूजी मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मैंने घर से कुछ भी खा पी के नहीं चली। आज नारियल पानी में नहीं यहाँ दिया है महामारी ने अपनी जोत। आज बिल्कुल मुँह भूखे जिसको कहते हैं ना, जूता मुँह करने ही नहीं दिया था माँ ने। यहाँ आकर नारियल पानी पिया और माँ की जोत जगाई। यहाँ पर मैं बता दूँ इन्होंने माँ भोरी वाली का जो हरियाणा में है बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, आप लोगों को दिखाया। हम लोग निकल के आ चुके हैं मेरी बाबू के वहाँ पे जो भी प्रोग्राम था, मुहूर्त था उसका, तो वो हम करके निपट के आ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ असोला और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है बाबू के यहाँ पे। थोड़ा सा जो मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी थी और मेरा व्रत है तो वहाँ पर वो सब मैनेज नहीं हो पा रहा था और मैं ना ही मैंने उसको कुछ बोला तो। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ और मुझे भूख लग रही है, मुझे रास्ते में कुछ भी मिलेगा तो मैं लेके पहले खाऊंगी। और बस ट्रैफिक ना मिलेगा, हमने तब भी सोचा था ट्रैफिक ना मिले, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। 2 घंटे ही लगेंगे अभी, हमें यहाँ से 2 घंटे लगने वाले हैं असोला के। तो चलिए पहले पहुँचते हैं, फिर वहाँ जा करके मुझे बहुत सारी रील्स भी बनानी है क्योंकि मैं थोड़ी अच्छी अच्छी सी लग रही हूँ। और बाबू जी मैं आ गई हूँ अभी असोला, बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है, बस अब जा करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर कल दरबार है, महामाई के दरबार की तैयारी करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, माता दी ओम सायकाल का।